फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्री बी सिर्फ क्वेश्चंस पेपर पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप HPTJT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आप जल्दी से जल्दी उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, साइकिल के पहिए में होती है। तो जो साइकिल का पहिया होता है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें हमारे पास होता है घूर्णन गति भी होती है और स्थानांतरित गति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 82 क्वेश्चन हमारे पास, पता यदि एक पत्थर पृथ्वी की सतह के समांतर फेंका जाता है तो इसका प्रक्षेप पथ होगा। तो इसका जो प्रक्षेप पथ होगा वो होगा पैराबोला, ठीक है, परवलय। उत्तल लेंस को इससे भी जाना जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस को किससे जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के रूप में भी जानते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है वो होता है दूर की वस्तुओं देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस। और जो पास की वस्तु होती हैं, जो सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म वस्तु होते हैं उसके देखने के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस का यूज करते हैं। और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए अपसारी लेंस का यूज किया जाता है और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। एक्स किरणों की डैश में वृद्धि के साथ इसकी वेदन क्षमता में वृद्धि होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति में। अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है। तो सही आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है रिफाइंड केरोसिन। सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। तो जो सूर्य और तारों जो ऊर्जा यूज करते हैं वो करते हैं तारकीय ऊर्जा। फोटोग्राफिक फिल्म में इसकी परत होती है। तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें किसकी परत होती है? तो उसमें परत होती है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की। निम्नलिखित में से कौन आतिशबाजी में हरा रंग देता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग देता है वो देता है वेरियम क्लोराइड। वेकिंग सोडा है, तो वेकिंग सोडा इसमें जो नाम दिए गए हैं, और जो सोडियम वाई कार्बोनेट है उसको हम बेकिंग सोडा के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, और इसका फार्मूला हमारे पास है NaHCO3, ठीक है। इसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रयान निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, ठीक है। रियॉन के निर्माण के लिए प्लास्टिक यूज किए जाते हैं एज ए कच्चा माल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायांतरण नहीं दर्शाता है? तो कौन सा नहीं दर्शाता है वो सिल्वर फिश, सही आंसर है। एपिकल्चर किससे संबंधित है? तो एपिकल्चर इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, सही आंसर हमारे पास मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के अध्ययन को हम कहते हैं एपिकल्चर। और ये क्वेश्चन TJT कमीशन के एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांपों में विष ग्रंथि स्थित होती है। तो जो सांप होते हैं उनमें जो विष ग्रंथि होती है वो होती है ऊपरी जबड़े में। किसे आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसको हम कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन के नाम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से हमें हो जाती है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम। और ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में होती है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। और इसमें होता क्या है, इसमें हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि है वहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो जो हरित गृह प्रभाव होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, CO2।
इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये वातावरण को प्रभावित करती हैं, वातावरण को प्रदूषित करने वाले गैसें हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। किस बॉलीवुड, अब आगे करंट के क्वेश्चन हैं, ये 2018 के हैं। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 प्रदान किया गया था? तो सही आंसर है अनुष्का शर्मा को। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में है? तो ये उस समय के जो करंट क्वेश्चन हैं, तो 2018 के जो करंट क्वेश्चन है 97 का सही आंसर है वो है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने मानव दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए स्वयं गिर सिद्ध शुरू किया है? तो 98 का सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो 99 का सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भारत। इसरो ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इक्वेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया? तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में। 101 का है हमारे पास स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो उसका सही आंसर हमारे पास 101 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राजम मल्होत्रा। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट किस बॉर्डर पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है। उस समय के जो करंट क्वेश्चंस है, किस भारतीय व्यक्तित्व को हाल ही में यूएस भारतीय स्थानिक भागीदारी मंच के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन आरंभ की? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल मैकॉम म्यूजियम आयोजित हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट मित्रता अभ्यास नेपाल एवं किस देश के बीच में होता है? तो ये नेपाल और चाइना के बीच में एक अभ्यास है माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो जो 11वें हिंदी सम्मेलन का जो स्थल था वो कौन सा था? वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पोर्ट लुइस। किस भारतीय खिलाड़ी ने 18वें जकार्ता एशियन गेम 2018 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर वो है वजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में प्रशिक्षित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है? तो ये जो है वो किसका वर्जन है? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 281 एंड बियॉन्ड किताब किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है बीवीएस लक्ष्मण की, ठीक है। बीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली थी कोलकाता ईडन गार्डन के स्टेडियम में, और ये बीवीएस लक्ष्मण की ही आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। फुआद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये है घुड़सवारी से। अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विजेंद्र राही, ठीक है। अब आगे हैं हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस। यदि शब्द प्रिंसिपल को हम कहें एल ए पी आई सी एन आई आर पी के रूप में, तो एडोलेसेंस को कोड में कैसे लिखा जा सकता है? तो इसमें ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखो जो प्रिंसिपल वर्ड है उसको हमें इसने क्या किया, इसने उल्टा करके लिखा है। तो देखो सबसे लास्ट में क्या है, एल है, फिर ए है, फिर पी है, फिर आई है, सी है, एन है, फिर आई है, फिर आर है, पी है। ध्यान से देखिए आप, ये देखो इसमें भी यही दिया है ना, इसमें भी ये दिया है, ठीक है। तो सही आंसर इसी तरीके से हमें पूछा गया है कि जो एडोलेसेंस है उसे कैसे लिखेंगे। अब देखो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, सबसे लास्ट में आएगा ई, फिर आएगा सी, फिर एन, फिर ई, फिर सी, ठीक है,
सी फिर एस फिर ई फिर एल ओ डी ए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या बन रहा है हमारे पास, तो जो 114 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें एक सीरीज दी गई है 68 67 64 59 देन डैश, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास यहाँ से देखो हमारे पास, अब देखो 60 और 67 और 68 के बीच में गैप कितने का है, 1 है, तो 64 और 67 के बीच में कितने का है, 3 का है। अब 59 और 64 के बीच में गैप कितने का है, 5 का है। तो अब आगे क्या होगा, ये सीरीज बन रही है ऑड नंबर की 1 3 5, अब आगे होगा 7, तो 59 में से 7 गए तो हमारे पास अगला नंबर क्या होगा, वो होगा 52 ही होगा ना। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया है। अब देखो हमारे पास 68 फर्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या है 67 है, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 1 का बन रहा था ना। अब जो नेक्स्ट नंबर है इसके बीच में हमारे पास 3 का गैप बन रहा था, अब इसके इससे अगला है उसके बीच में हमारे पास 5 का गैप बन रहा था। अब नेचुरल है जब 1 है फिर 3 है फिर 5 है, अब 7 आएगा, तो 59 में से अगर आप 7 को लेस करोगे तो हमारे पास 52 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केशव, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, केशव इज टॉलर देन विजय, ठीक है, केशव इज टॉलर देन विजय। अब केशव बड़ा है विजय से, तो के आएगा पहले, वी आएगा पीछे, एंड शॉर्टर देन नितिन, और नितिन से छोटा है, केशव जो है वो नितिन से छोटा है और विजय से बड़ा है, तो नितिन आएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नितिन इज टॉलर देन किशन, ठीक है, नितिन इज टॉलर देन किशन बट शॉर्टर देन अमर। अब जो नितिन जो है वो किसान से बड़ा है, ठीक है, किशन से बड़ा है, नितिन इज टॉलर देन किशन बट शॉर्टर देन अमर। अब नितिन जो है वो अमर से छोटा है, ठीक है। इफ विजय इज टॉलर देन किशन, अब विजय इज टॉलर देन किशन, अब विजय जो बड़ा है वो किशन से बड़ा है, ठीक है। देन हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, तो कौन होगा इसका आंसर, तो जो किशन होगा वो सबसे छोटा होगा क्योंकि किशन सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब देखो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ आपको, जो केशव है वो बड़ा है विजय से, ठीक है, और शॉर्टर है छोटा किससे है, नितिन से, ठीक है। इट मीन्स दैट इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, नितिन हो गया, एंड नितिन इज टॉलर देन किशन बट शॉर्टर देन अमर, तो अमर यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया। इफ विजय इज टॉलर देन किशन देन हु इज द शॉर्टेस्ट, अब विजय जो है वो किशन से बड़ा है, तो नेचुरल जो है वो किशन जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा अब होगा अमर, अमर से छोटा नितिन, नितिन से छोटा केशव, केशव से छोटा विजय, और विजय से छोटा किशन, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, यदि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है जी भी। 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पत्नी, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी इससे भी आसान है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर प्लस को हम डिवाइड के साथ डिनोट करें, डिवाइड को माइनस के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई को प्लस के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 12 3 1 5 और 2, ठीक है, ये नंबर दिए गए हैं। आई मीन इसमें बोलो कि प्लस को किससे डिनोट किया गया है, डिवाइड से, ठीक है। अब डिवाइड को किससे डिनोट किया गया है, माइनस से, इसके साथ आगे क्या है, माइनस को किससे डिनोट किया गया है, मल्टीप्लाई से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई को किससे डिनोट किया गया है, प्लस से, ठीक है। अब यही है ना, यही बन रहा है। अब देखो जब आप वोर्ड मास को लगाएंगे तो वोर्ड मास का क्या मतलब होता है, ठीक है, वोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, डिवीजन मीन भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये माइनस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डिवाइड वाला, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 4 4 माइनस 1 जो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 5, 4 माइनस 5 प्लस 2। अब देखो एक हमारे पास साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 6 माइनस 5
तो इसका सही आंसर हमारे पास 1। ठीक है, तो क्या आंसर निकला हमारे पास, इसका सही आंसर हमारे पास निकला 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे इस चैनल पर डीजीटी कमीशन की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप नए इस चैनल को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो 119 का क्वेश्चन हमारे पास, एक घड़ी 2 PM दर्शा रही है, यदि घड़ी घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी जब घड़ी में समय 9:30 PM पर हो जाएगा। तो उसे सॉल्व कर लीजिए आप, आसान क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम। ठीक है, अब एजेस के क्वेश्चन आगे, मानी की आयु 47 वर्ष है, जॉन की आयु 13 वर्ष है, कितने वर्षों में मानी की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ये जो हुई थी, तो ये हुई ऑप्शन नंबर सी 1847 में। बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, तो किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे, तो सही आंसर है सिरमौर के। महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मंडी। हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूंगा में। प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो कोलिन बोली जाती थी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना। बीएन शर्मा पूर्व प्रमुख बने थे। ठीक है, इंडियन आर्मी के जनरल बने थे। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की महिला प्रथम महिला स्पीकर थी, विद्या स्टोक्स, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है जी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है। सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की। तो जो महिमा लाइब्रेरी थी वो किसने स्थापित की थी 1926 में, तो ये की थी अमर प्रकाश ने। मुकलसर तवारीख ए रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी, गरीब खान ने ये लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दोखरे का दान हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी की फसल है। तो 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पब्बर घाटी। ठीक है, नाथपा जाकरी परियोजना की मुख्य सुरंग कहां से निकलती है। तो सही आंसर है हमारे पास रतनपुर से मंगलपुर। ठीक है, नाथपा जाकरी जो परियोजना है जी किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई परियोजना है जी। हिमाचल प्रदेश में किस खड के किनारे मछली प्रजनन के लिए दियोली फॉर्म स्थित है। तो 135 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अली खड। कौन सा स्थान द प्रिंच वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है, इसमें जो आर्की जो है वो इसमें औद्योगिक केंद्र नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर दिया गया है वो हडिम्बा है, तो आप इसे कंफर्म कर लीजिए क्वेश्चंस को। बाबा बालको रेल म्यूजियम स्थित है। तो 139 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बुंडा उत्सव संबंधित है, भगवान परशुराम की याद में बुंडा उत्सव मनाया जाता है और 12 वर्ष के बाद ये उत्सव लगता है। रानी खेरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई।
ऑप्शन है लखनऊ में। 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के चेयरमैन कौन बने? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हीरा सिंह ठाकुर, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया? चंबा। कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार था, कौन था? वो था ऑप्शन नंबर बी, फरिश्ता। खीर गंगा गर्म पानी का झरना स्थित है, तो ये कुल्लू में है खीर गंगा झरना। रात्रि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध इसके द्वारा लाया गया, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कारखाना अधिनियम 1883 में। बाल श्रम अधिनियम 1986 उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है बाल श्रम अधिनियम 1986? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन लेबर लेजिस्लेशन। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन निश्चित न्यूनतम वेतन डैश में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए, तो सही आंसर है 5 वर्ष। पंजीकृत श्रमिक संघ अपने सदस्यों से इस रूप में राजनीतिक निधि एकत्रित कर सकता है, तो जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विधेयन केवल केंद्रीय कार्यान्वयन तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है? 150 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग। अब आ गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, तो 151 का है हमारे पास। हैरिस वाई ए फिक्स आइडिया, तो उसके कहते हैं ऑब्सेस्ड। वन हु इज फाउंड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, तो सही आंसर वह हमारे पास सैडिस्ट, ठीक है। ए फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शंस, तो वो हमारे पास होते हैं एम्बीवैलेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास मिस स्वेल्ट, ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत दी गई होगी किसी वर्ड में, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें, तो सही आंसर जो इसका बन रहा है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, सी सेशन का, ठीक है, सी सेशन को मिस स्पेल किया गया है। नेक्स्ट जो है 155 का, वो है हमारे पास जो मिस स्पेल है वो है इनामूर, ठीक है, बाकी सारे के सारे ठीक है। 156 का जो है वो जो मिस स्पेलिंग है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कॉमोडाइज। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें आगे हम साइनोम्स, अब आगे हैं हमारे पास साइनोम्स, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का साइनोम्स क्या होता है, वो हमारे पास है अवंडेंस। अवंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का अर्थ भी यही होता है। इनविंस, तो इनविंस का क्या है साइनोम्स, तो इनविंस का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रिवील, ठीक है, रिवील मतलब किसी को उजागर करना, जैसे किसी का कोई सीक्रेट होता है उसको उजागर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवील, ठीक है, ठीक है, इसको हम तरह। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। इन्फॉर्म का होता है किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है, तो रिवील का होता है किसी को उजागर करना। पैरोचाइल का क्या मतलब होता है, क्या इसका साइनोम्स बनता है पैरोचाइल का, वो बनता है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है, जो ज़्यादा ऊपर की नहीं सोचता हो, ज़्यादा गहराई की नहीं सोचता हो, ठीक है, ये विचारधारा से संबंधित हो सकता है, ठीक है, ठीक है। द रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट क्या हमारे पास, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव। द रेलवे स्टेशन वाज डैश इनटू डार्कनेस, ठीक है, वाज आया इसमें, तो पास्ट में बात की गई है, तो पास्ट टेंस यूज होगा इसमें। 160 का सही आंसर वो है प्लॉग्ड, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट में होगा, क्योंकि इसमें एस लगे हुए हैं, तो सही आंसर वो है प्लॉग्ड। नेक्स्ट हमारे पास है द मीटिंग
विटनेस डैश सीन, तो ये भी पास्ट में है, ठीक है। शी कुड नॉट गेट, ठीक है, 162 का हमारे पास है। शी कुड नॉट गेट डैश हर डिसअपॉइंटमेंट डैश हैविंग बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शी कुड नॉट गेट ओवर हर डिसअपॉइंटमेंट एट हैविंग बीन रिजेक्ट इन द इंटरव्यू। हिंदी के क्वेश्चन है, कंकाल और कंगाल जुगम शब्द का अर्थ है, तो क्या इसका सही आंसर है, तो 163 का सही आंसर है वो है ठठरी और निर्धन। जथाविधि में समास है, तो जथाविधि में जो समास है वो है अव्यवाह का, ठीक है, अव्यवाह समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे जथा लगेगा तो वो अव्यवाह में आ जाते हैं। आड़े हाथों लेना, ठीक है, आड़े हाथों लेना मुहावरा है जी, तो इसका सही आंसर हमारे पास वह झगड़ा लगाना, ठीक है, झगड़ा लगाना, जैसे किसी की क्लास लेना हो, अपने भाषा में बोलते हैं किसी की क्लास लेना, ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं किसी की क्लास लेना हो, आड़े हाथों लेना, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हो उसको आड़े हाथों लेना। कूल का उपसर्ग बनता है, तो कूल का उपसर्ग क्या बनता है, वो बनता है प्रतिकूल, ठीक है, कूल प्रतिकूल। सुंदर का प्रत्यय बनता है, तो सुंदर का प्रत्यय बनता है हमारे पास सौंदर्य। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। गृहस्थ का विपरीत अर्थ है, तो सही आंसर हमारे पास सन्यासी, ठीक है। प्रत्युत्तर का संधि विशेष है, तो प्रत्युत्तर का संधि विशेष क्या बन रहा है, वो है प्रति जमा उत्तर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने वीडियो देखी है तो आप जान सकते हैं कि इस चैनल पर कैसे पढ़ाया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स।